हेलो गाइस, तो फिर आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे इस पोके की चेस्ट प्लेट कैसे मिली। रुक जाओ, आप पूरे वीडियो में देख लेना क्योंकि मेरे पे रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं थोड़ा बहुत आपको चैट्स वैट्स दिखा दूंगा कि मुझे चेस्ट प्लेट कैसे मिली। वेट, कोई तो मैं एमएस किया था, मुझे कौन मैसेज किया था, कोई ना। आप जैसे कि देख सकते हो मैंने ग्लो ले रखा है एंड ये पार्टिकल्स भी ले रखा है। कॉइन्स सारे ख़त्म कर दिए मैंने, 300 कॉइन्स थे, आई मीन 1300 कॉइन्स थे। वेट इसमें, अबे यार वेट, यहाँ से निकलो, पहले यहाँ से निकलो, दिमाग ख़राब करेंगे। यही पे चल लेते हैं, यहाँ पे फैंटम भी नहीं होते। ये सेलिब्रेशन वाला ये इतना अच्छा नहीं लगता। वेट स्लैश पीपी, देन मैंने ये ले रखा है, मुझे और लेना है। कॉइन भी दोस्तों से मांग लूँगा मैं, ये एक अच्छा लगता है। वेट कौन, ओके ये एक अच्छा लगता है। बहुत सारे इफेक्ट, मतलब आप कोई भी ये ले सकते हो, पार्टिकल ले सकते हो। लाइक मेरे दोस्त ने ड्रैगन ब्रेथ वाला ले रखा है एंड आप डिज़ाइन कोई भी रख सकते हो, सेम ही है सब में डिज़ाइन। तो मैं तो अभी ये और एक लेने वाला हूँ, ड्रैगन ब्रेथ वाला, वो और अच्छा लग रहा है। एंड एक कूल चीज़ दिखा दो, वेट आ गया ये रहा, दिख रहे हो ये मेरे में आके जा रहा है। ड्रैगन ब्रेथ वाले में ऐसे कांस्टेंट रहता है वो अच्छा लगता है। ठीक है, सेलिंग फॉर एक्सपेंस 4 एंड नेदर हेड सी सर, ओ डक्स फिर नाइस भी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे स्पूकी की चेस्प्लेट कैसे मिली। तो जल्दी से हम अपनी स्क्रीन शेयर कर देते हैं, मतलब इस पर स्विच कर देते हैं डिस्कॉर्ड पे, क्योंकि डिस्कॉर्ड से ही सारी बातें शुरू हुई है। तो वैसे देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पे मैं बोला कि मुझे स्पूकी की चेस्ट प्लेट मिल सकती है। वो बोली, वो एग्नो मैम बोले कि एक, तो गाइस आपको मैं चैट दिखाता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में हुआ मैं बोला कि मुझे स्पूकी की चेस्ट प्लेट मिल सकती है क्या, वो तो फिर वो एग्नो मैम बोले कि आई विल लुक इन टू एट नाइट। ठीक है, मतलब आज रात को देखते हैं। मैं ओके, तो मैं 7 बजे मैसेज किया ना, तो देख सकते हो 12:15 रिप्लाई आया है। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई कैन फाइंड दैट प्लेयर आर्मर पीस, फाइंड दैट आर्मर पीस, चूज समथिंग एल्फ्स। मतलब वो बोल रही थी उसको पक्का पता नहीं है कि वो उसका आर्मर पीस मिल सकता है कि उसको स्पूकी की चेस्ट प्लेट। में बोला प्लीज आई वॉन्ट ओनली स्पूकी चेस्ट प्लेट फॉर फुल आर्मर, प्लीज़ ट्राई कैन यू, ऐसे में पूछा। लाइक मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूँ, मुझे बस स्पूकी की चेस्ट प्लेट चाहिए स्पूकी का पूरा आर्मर होने के लिए, आप प्लीज ट्राई करो, क्या आप कर सकते हैं, ऐसे में पूछा। वो बोली फाइंड अ प्लेयर हु कैन सेल इट एंड आई विल पे फॉर इट। मतलब वो बोली कि एक ऐसा प्लेयर ढूंढो जिस पे वो स्पूकी की चेस्ट प्लेट हो एंड वो उसके पैसे दे देगी उसको, लाइक रियल मनी या फिर कुछ कॉइन्स वॉइंस। ठीक है, मैं बोला ओके लेट मी सी। मैं देखा 2 मिनट ही देखा। बाद में मैं बोला नहीं मिला प्लेयर, तो मैं उसको बोला यू हैव ओपी राइट, मतलब एम आई राइट, तो उसका मतलब होता है आपके पास ओपी है। मैं सही बोला, वो हाँ बोला, हाँ बोली। देन बोले बट कांट फाइंड लिमिटेड एडिशन आइटम्स, उसके पास जो लिमिटेड एडिशन वाले सामान रहते हैं वो ढूंढ नहीं पाती, वो पॉकेट से ज़्यादा खेलती थी। तो मैं बोला आप बना भी सकते हो ये, यू कैन मेक इट। मैं बोला तुमने इसका क्वेश्चन किया, और ये कुछ एन्चेंटमेंट के फ़ोटो, ये पैंट मेरी थी उसके मैंने एन्चेंटमेंट आप उनको दिखाया। मैं बोला चेक हिज एन्चेंट, तो वो बोली कि एक प्लेयर का नाम बताओ जिसके पास वो आर्मर का पीस हो, वो उसके इन्वेंट्री में से कॉपी करके दे देगी। वो बोली कि एक बंदे का नाम बताओ, तो मैं बोला ठीक है, तो मैंने इस बंदे का नाम दिया उधर। वो बोले चेक इन योर अंडर चेस्ट, मैं देखते ही खुश हो गया बहुत, तो मैं बोला थैंक्स। तो देन जैसे ही मैं गेम में आया, गेम में आने के बाद मैं देखता हूँ अंडर चेस्ट ओपन किया, मैं देखा
कि ये मुझे चेस्ट प्लेट मिल चुकी है। देन मैंने यहाँ से लिया चेस्ट प्लेट इसको, देन मैंने चैट में पिंग किया एंड चीज़ ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, एंड देन ये रख दी। एंड ये मुझे पूरी कस्टम इंचांट के साथ मिली है, तो फिर मुझे इस पर कुछ लगाना नहीं पड़ा। ये देखो फायर पूछ रहा है कैसे मिला, वेट अ सेकेंड, फ्लैश इमेज जी फायर गए। बोल देता उसको, दिया अली भी है, वाह अली पूछ रहा है कैसे मिला। अबे यार प्लीज गिव मी सम कॉइंस, कॉइंस भैया मेरे पास ही खुद नहीं है। तो ऐसे ही कुछ मुझे चेस्ट प्लेट मिली थी एंड हमारे पास हो चुका है पूरा स्पूकी का ये आर्मर, ठीक है। एंड अभी ये वाटरमेलन की स्वॉर्ड है हमारे पास, नॉर्मल सी वाटरमेलन को स्विच करके जल्दी से ही मिलेगी हमें स्पूकी के लाइट सेबर। एंड ये रहा फायर, ये लगा दो एक बार, वेट फायर को बोलता हूँ इशारा कर करके, फायर लगा देगा तो आपको दिख जाएगा कि वो कैसा दिखता है। हाँ देखो लगा दिया फायर ने, एक बार आ जा साइड में आ जा, ऐसे मर्च हो जाते बेटा या। हाँ तो चलिए गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।